कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का पुलवामा हमले पर विवादित बयान सामने आया है। शहादत पर शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है और इस वक्त हमारे साथ उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जी, पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है और पीएम ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल दुर्भाग्य है ये देश का कि कुछ आस्तीन के सांप हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते रहते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल करके उन्हें कुछ न कुछ ऐसा बोलने का अवसर प्रदान कर देते हैं जिससे भारत को नुकसान होता है। शहादत के ऊपर जो कुछ बोला जा रहा है इससे ज्यादा निंदनीय कुछ और हो नहीं सकता। जो लोग राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, राष्ट्र की जो अस्मिता है या वीरों की शहादत है उसके साथ जो भद्दा मजाक कर सकते हैं, तुष्टिकरण की गिरी राजनीति कर सकते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इससे हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। साक्षी महाराज, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सवाल उठाना गलत है और क्या आपको ये लग रहा है ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल इश्यू बनाने की कोशिश हो रही है? ऐसा है, कुछ मामले होते हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास करना पड़ता है। जैसे हम लोग धर्मवर ईश्वर पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ऐसे ही अपनी सेना पर, जो सेना देश की रक्षा कर रही है, उस सेना पर आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। जब सेना पर सवालिया निशान खड़े होंगे तो फिर देश की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? तो वो कैसे लोग हैं, कैसी राजनीति करते हैं, कैसे राज करते हैं? आपको लगता है कि ये राजनीति से जोड़कर इसमें राजनीतिक मसाला भरने की कोशिश की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सैम पित्रोदा का जो ये विवादित बयान सामने आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कुछ कहना रहा ट्वीट के जरिए, वो यहां पर आपको बताएंगे। राहुल गांधी के सलाहकार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ये मोदी ने ये लिखा है, सैम पित्रोदा ने सेना का अपमान किया है। हालांकि ये भी कहा कि मुंबई ताज होटल जब अटैक प्लान हुआ था तब हम भी प्लेन पाकिस्तान में भेज सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और उनके हिसाब से हमले की अप्रोच एकदम गलत है। तो राहुल गांधी के सलाहकार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा ने सेना का अपमान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया। दरअसल सैम पित्रोदा ने जिस तरह से 300 आतंकियों के मारे जाने पर सवाल उठाए और साथ विवादित बयान देते हुए कहा कि भाई कुछ लोगों की हरकत की सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर अटैक किया। रामगोपाल यादव पर भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पूरे सेना का अपमान रामगोपाल यादव कर रहे हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनका अपमान रामगोपाल यादव कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं सैम पित्रोदा और उनकी तरफ से अगर सवाल उठाया जा रहा है तो पाकिस्तान में नेशनल डे जश्न मनाया जा रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। तो आपको यह भी हम बता दें कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए और पुलवामा अटैक को लेकर सवाल उठाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट करके जवाब दिया गया है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोलते आए हैं और बोल रहे हैं।